नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के बाहुबली विनय कुमार उर्फ मुन्ना शुक्ला शनिवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से वैशाली लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए सिंबल लेने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने दलितों को लेकर विवादित बयान दे दिया। पत्रकारों ने मुन्ना शुक्ला से पूछा कि क्या उनकी उम्मीदवारी से वैशाली में भूमिहारों के वोट बढ़ जाएंगे। इस पर उन्होंने कह दिया कि हम भी भूमिहार हैं, चमार थोड़े ही हैं। हमको मिल गया है कि पेपर से क्या कहना चाहेंगे वैशाली की जनता से? वैशाली की जनता से करेंगे, अपने आम आवाम से, तमाम बुजुर्ग नौजवानों से कहेंगे कि हम टिकट का कुछ फॉर्मेलिटी बचा हुआ फॉर्मेलिटी पूरा करके आ रहे हैं। आप लोगों की सेवा हम 2004 से करते आ रहे हैं और फिर करने को तैयार। किन मुद्दों को लेकर भूमिहार हम हैं? हम भी भूमिहार हैं, हम चमार थोड़े हैं। मुन्ना शुक्ला के इस बयान पर सोशल मीडिया पर इतना हंगामा हो गया कि शाम में ही उन्होंने माफीनामा भी जारी कर दिया। मुन्ना शुक्ला ने शनिवार शाम को एक वीडियो जारी कर कहा कि उनकी किसी से दुर्भावना नहीं थी, उनका मकसद किसी को आहत करना या दुख पहुंचाना नहीं था। अगर किसी को दुख पहुंचा है तो वो इसके लिए माफी मांगना चाहते हैं। आज जो मेरे बारे में सोशल मीडिया पर जाति विशेष करके जो टैगलाइन चलाया जा रहा है, मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी किसी वर्ग विशेष को आहत पहुंचाना, दुख पहुंचाना। अगर दुख पहुंचा है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। मैं सब वर्ग का सम्मान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुन्ना शुक्ला। वो हर वर्ग का सम्मान करते हैं। बता दें कि विनय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला शनिवार दोपहर में पटना स्थित राबड़ी आवास पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो वैशाली से लोकसभा का सिंबल मांगने और लालू का आशीर्वाद लेने आए हैं। इस दौरान उन्होंने दलित विरोधी एक बयान दे दिया। मुन्ना शुक्ला का ये बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर काफी वायरल हो गया। एक्स पर विनय कुमार शुक्ला माफी मांगो हैशटैग भी ट्रेंड करने लगा। इसके बाद मुन्ना शुक्ला को अपने बयान पर माफी मांगनी पड़ी। हालांकि भाजपा प्रवक्ता जनक राम ने मुन्ना शुक्ला समेत लालू परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दलित समाज का अपमान किया गया है, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला ने बयान के जरिए अपमानित किया है, लालू परिवार को भी माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने राजद सरकार के कार्यकाल को जंगल राज भी बताया। देखा होगा, मैं किसी व्यक्ति का नहीं, महागठबंधन के नेता जो राज्य में वर्ग संघर्ष कराना उन लोगों को नियति रही है। 90 का दशक आप लोगों ने देखा होगा, लक्ष्मणपुर बाथे हो, चिनारी कांड हो, वर्ग संघर्ष करवाना, अगड़ा पिछड़ा का नारा देना, खूनी संघर्ष करवाना उनकी नियति रही है। अब तो बिहार के लोग अमन चमन की जिंदगी जी रहा है, सुशासन की सरकारें चल रही हैं, डबल इंजन की सरकारें हैं। देश में सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी, राज्य का सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी, अब सुशासन की सरकार में आप जातीय उन्माद फैला करके एक खास विशेष वर्ग के जातियों को टारगेट करना, ये घबराहट नहीं तो और क्या है। लेकिन ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बसपा नेता अमर पासवान ने पटना SC/ST थाने में मुन्ना शुक्ला के खिलाफ आवेदन दिया है। आवेदन में कहा गया है कि मुन्ना शुक्ला ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है जिससे हमारा समाज आहत हुआ है, इसलिए उन पर FIR दर्ज किया जाए। जो मुन्ना शुक्ला, विजय कुमार शुक्ला, मुन्ना शुक्ला जो लालगंज से विधायक हैं और खुलेआम उन्होंने अनुसूचित जाति के रविदास समाज के लोग चमार शब्द के संबोधित किया है, कहा है कि हम भूमिहार हैं, चमार थोड़े ही हैं। लेट मीन्स वो कहना चाहते हैं कि चमारों को जीने का अधिकार नहीं है, दलितों को जीने का अधिकार, मतलब वो तुच्छ हो, नीच हो उनको, और वो जो चुनाव का माहौल अभी आदर्श आचार संहिता लोकसभा में चल रहा है और उस चुनाव के माहौल में उन्होंने बोला है कि इस तरह का बोला है दलितों को, तुम नीच हो, बताइए कितना बेशरम आदमी है। ऐसे आदमी को अगर कोई टिकट पार्टी देता है तो समझ लीजिए उसका पार्टी का एकदम जमानत जब्त हो जाएगा, और कोई दलित पूरा 5% दलित है बिल्कुल भी वोट नहीं करेगा, जो इस तरह का मानसिकता के लोग हैं और दलितों को टारगेट करके उन्हें जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके गाली देने का काम करते हैं। आवेदन दिया है तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो, बिहार पुलिस करे, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी उस व्यक्ति को टिकट ना दे, हम दलितों का यही अपील।
गौरतलब है कि मुन्ना शुक्ला की गिनती दबंग छवि वाले नेताओं में होती है। वे गैंगस्टर से राजनेता बने हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी वैशाली लोकसभा सीट पर दावेदारी है। इस सिलसिले में उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। उन्होंने कन्फर्म किया कि वैशाली से उनका टिकट लगभग तय हो चुका है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वे खुद लड़ने के बजाय अपनी पत्नी अनु शुक्ला को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। वैशाली से एनडीए उम्मीदवार के रूप में लोजपा रामविलास के टिकट पर सांसद वीना देवी चुनाव लड़ रही हैं।